कहते हैं कि जब तक दुनिया से मोह नष्ट नहीं होता तब तक के ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। ज्ञान का असली बीज पड़ता ही तब है जब दुनिया से वैराग आवे। भक्ति मार्ग में भी ये बात बोली गई है, बिनु वैराग विवेक न होई। क्या? बिना दुनिया से वैराग आए सच्चा ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। तो 60 वर्ष की अवस्था है जब इंद्रियां शिथिल होने लगती है, दुनियावी कामनाओं की पूर्ति असंभव हो जाती है। तो दुनिया से मोह नष्ट होने लगता है, वैराग आने लगता है मोस्टली। इसलिए बोला कि मैं 60 साल के अनुभवी तन में प्रवेश करता हूं, सगीर में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा जैसी नाबालिग बुद्धि में प्रवेश करे तो भी सफलता नहीं मिलती। हर प्रकार से अनुभवी चाहिए। और बाबा, हाँ जी, अस्तित्व में आने वाले सभी आत्मा है, अस्तित्व में आने वाले सभी आत्मा डायरेक्ट बीके से चलकर आया होगा या कि कोई कोई डायरेक्ट एडवांस में भी आया होगा? ऐसी एडवांस में कोई आत्मा नहीं होती। जो पूर्व जन्म में बीके न बनी हो ब्राह्मण देह को नहीं देखते। ब्राह्मण क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। बता दिया ना, जो बीके बना होगा बीके का भी अनुभव हो आत्मा में, वो ही पीवी के पक्का बन सकता है। इस जन्म में अगर नहीं बना है तो पिछले जन्म का बीके होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में बीके हो तभी 8 और 108 की लिस्ट में आ सकता है। नहीं, बाबा एक चित्र में शंकर जी कोई को गोद में लेकर जा रहे हैं और काली उनके पीछे है। जिसको गोद में लेकर जा रहे हैं वो कौन है? है? चंद्रमा भाल पर दिखाया जाता है, अष्टदेव या गंगा सर के ऊपर दिखाई जाती है, पार्वती को गोद में दिखाया जाता है, उनके जीवन में 2 पत्नियां दिखाई गई हैं।
पहली पत्नी सती और दूसरी पत्नी पार्वती। तो पहली पत्नी जब अपने शरीर को अग्निसात कर देती है तो उसके मृत शरीर को लेकर वो क्षिप्त अवस्था में सारे भारत में घूमते रहे। उस समय की यादगार है। ये चित्रकारों ने वो चित्र बनाया है। जब 36 में प्रवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र थी। लेकिन अभी 76 में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तो 60 साल की उम्र नहीं होती है। ये कैसे? छत्तीस में प्रवेश किया तो लौकिक दुनिया थी या अलौकिक दुनिया थी? प्रवेश करने के बाद क्या हो गए? अलौकिक जीवन हो गया। ब्रह्मा की 60 साल की आयु में प्रवेश किया। वो कौन सा ब्रह्मा था? दादा लेखराज। सन 36 में प्रवेश किया। प्रजापिता में सन 36 में प्रवेश हुआ 60 साल की उम्र में। वहां से प्रजापिता ब्रह्मा की आयु शुरू होती है ब्रह्मा के रूप में। और 100 साल आयु कब पूरी होती है? है 76 में। तो 76 में 100 साल पूरे हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है। अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा मन के संकल्पों के आधार पर अपना मृत्युलोक खत्म कर देती है। मृत्युलोक अर्थात दुख की दुनिया खत्म। और कौन सा लोक शुरू होता है? अमर लोक। शरीर के आधार पर या मन बुद्धि के आधार पर? मन बुद्धि के आधार पर अमर लोक शुरू होता है। वो अमर लोक सन 76 में प्रत्यक्ष होने का टाइम दिखाया। आत्मा के प्रवेश होने का टाइम तो नहीं दिखाया है? बच्चा जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है तो जन्म कहा जाता है या प्रवेश कहा जाता है आत्मा का? पहले आत्मा प्रवेश करती है या पहले जन्म लेती है? पहले प्रवेश करती है। तो लौकिक में भी 5-6 महीने पहले प्रवेश करती है। या फिर अलौकिकता की बात है, 70 में ही प्रवेश हो जाती है।
और क्षेत्र शुरू होते होते प्रत्यक्ष हो जाती है। तो 70 से लेकर के 76 तक का जो टाइम है वो अलौकिकता के आधार पर 69 और 70 में 7 साल की शुरुआत है। जब प्रवेश होता है हद का अनुभवी नहीं, बेहद का ब्राह्मणों की दुनिया का भी अनुभवी साबित होता है। क्या अमृत वेले के पुरुषार्थ में भी रेगुलर और पंक्चुअल रहना है? सिर्फ क्लास में रेगुलर या पंक्चुअल होने के लिए बताया कि अमृत वेले के लिए भी बताया? क्या बताया? क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहना है। नहीं रहते हैं तो टीचर का डिसरिगार्ड है। यह है सुप्रीम टीचर, और उसका अगर डिसरिगार्ड करेंगे तो कितना 100 गुना पाप का भारी बोझा चढ़ता है। बाकी अमृत बेला कोई बाप का क्लास नहीं है, ये तो अपनी स्वेच्छा का पुरुषार्थ है। कोई विशेष आत्माएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ हद के अमृत वेले को अमृत वेला नहीं मानती, सारा संगम युग ही उनके लिए क्या है? बेहद का अमृत वेला है। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सदैव लगन एक ही तरफ लगी हुई है। आप मुए मर गई दुनिया। जब बाहर की दुनिया ही मर गई खलास हो गई तो धंधे धोरी भी खलास हो गए। फिर जीवन में क्या रह गया है? बाप की याद और बाप की सेवा के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं रह गया। जो सोते जागते भी ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करता है। उल्टा हो गया, दुनिया बाप को याद करती है और बाप बच्चों को याद करते हैं। तो बच्चों की याद में ज्यादा पावर है या बाप की याद में ज्यादा पावर है? तो ऐसा बेहद का अमृत वेला करने वाले बच्चे कितने पावरफुल होने चाहिए। तो उसमें रेगुलरिटी की बात नहीं है, पंक्चुअलिटी की बात नहीं है, ये तो श्वासों श्वास याद करना है। पंक्चुअल उसे कहते हैं, 6 बजे क्लास शुरू होता है तो 6 बजे आना। कभी 6 बजे आए कभी 7 बजे आए, उसे पंक्चुअल नहीं कहेंगे। जो बेहद का अमृत वेला मना रहे हैं, श्वासों श्वास याद कर रहे हैं, उनके लिए पंक्चुअलिटी की बात ही नहीं। बाबा पार्टी चली जा रही है, हम भी चले जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? खड़े हो जाओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हमको बताया गया था आप 8 बजे जा रहे हैं। है?
ये हाथ नहीं बुद्ध रूपी हाथ मिलाओ बात करेगी नहीं हाँ ठीक है ठीक है निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए हाँ जी हाँ जी जाओ 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 हाँ बंगलौर ना कलकत्ता हाँ जी अरे कलकत्ता बंगलौर तो जल्दी जल्दी मिलना होता है चिंता क्यों करते निकल जाओ हाँ ओम शांति बहुत पर्चे आए हुए हैं बाबा बड़ी चिंता लग रही है गणेश का पाठ किसके द्वारा चलेगा ब्रह्मा बाबा ने जो शरीर छोड़ दिया है या जगदम्बा माँ के द्वारा अथवा राम वाली आत्मा के द्वारा सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है सारा पार्ट क्लियर किया हुआ है गणेश और हनुमान की पूजा कौन से युग में शुरू होती है? है कलयुग में और कलयुग है तमो प्रधान युग जिनकी पूजा होती है गणेश की हनुमान की वृक्ष की सांप की देवियों की वो भी तमो प्रधान और पूजा करने वाले भी तमो प्रधान और द्वापर के आदि में भी पूजा होती है पूजा करने वाले भी रजो प्रधान और जिनकी पूजा होती है वो भी रजो प्रधान हो जाते हैं और बाबा ने बोला जो पूज्य वो ही क्या बनते हैं पुजारी बनते हैं द्वापर के आदि में पहले पहले शिवलिंग पूज्य साथ में शंकर का चित्र पूज्य एक की ही पूजा होती थी तो भक्ति सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी या रजो प्रधान रजो प्रधान युग होते हुए भी द्वापर के आदि में भक्ति भी सतो प्रधान थी जो पूजा लेने वाली मूर्तियां वो आत्माएं भी रजो प्रधान बन जाती हैं और अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं तो कलयुग जब शुरू होता है गणेश हनुमान की पूजा दिखाई गई है वो पूजा करने वाले और जिनकी पूजा हो रही है वो एक ही आत्माएं हैं या अलग अलग आत्माएं हैं जो पूज्य सो पुजारी माने जो गणेश है
वो जानवर यज के कर्तव्य करता है, सूरत धारण कर लेता है, सीरत होती है। कली हुई शूटिंग में तो गणेश की पूजा होती है। अब ये भी बताया है जो पहले नंबर का ब्राह्मण तो पहले नंबर का देवता, तो पहले नंबर का क्षत्रिय, फिर द्वापर में पहले नंबर का वैश्य। कलयुग में पहले नंबर का शूद्र, ऐसे ही जो पहले नंबर का ज्ञानी वो पहले नंबर का वैरागी भी बनता है और फिर पहले नंबर का द्वापर से भक्त भी बनता है। राम की आत्मा पहले नंबर में है तो दुनिया में राम वाली आत्मा के बाद दूसरे नंबर में किसको रखेंगे? राम बाप बीज का पाठ बजाने वाला है तो पहले नंबर का पत्ता कौन? कृष्ण वाली आत्मा। ये दो आत्माएं हैं रचयिता और रचना के रूप में। भक्ति मार्ग में भी इसी नंबर में भक्त बनती है। भक्त भी नंबरवार, और ज्ञानी भी नंबरवार, और त्यागी तपस्वी वैरागी भी नंबरवार। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शरीर छोड़ते समय पार्ट बजाया गया वो आत्मा अभिमानी का पार्ट हुआ या देह अभिमानी का पार्ट हुआ? और वो देह अभिमान श्रेष्ठ इंद्रियों तक ही सीमित रहा या भ्रष्ट इंद्रियों तक दिखाई दिया? जल्दी बोलो। भ्रष्ट इंद्रियों दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया होता तो बाबा ये क्यों कहते हैं अव्यक्त बाप दादा कि ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करो? प्रैक्टिकल जीवन में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को। अगर उन्होंने भ्रष्ट इंद्रियों से कोई ऐसा उल्टा कर्म किया होता तो उनको फॉलो करने के लिए कहा जा सकता है? तो ये बात रंग है। सही बात क्या है? देह अभिमान देह में भी रहा, मुख में विशेष रहा, इसलिए जिसके मुख में विशेष देह अभिमान रहा उसका मुख कैसा दिखाया गया? हाथी का दिखाया गया। हाथी में विशेष देह अभिमान होता है, खास करके कौन से अंगों में? मुख की इंद्रियों में। कृष्ण की आत्मा का
मेल क्राइस्ट से किया जाता है। क्यों किया जाता है? है जब क्रोध आता है क्रिश्चियंस में तो क्रोध भ्रष्ट इंद्रियों में दिखाई देता है या चेहरे में दिखाई देता है? चेहरे में दिखाई देता है। क्रोध अंदर का हो या बाहर का हो, लेकिन चेहरे से दिखाई जरूर देता है। चेहरा लाल हो जाता है जब क्रोध आता है, भले वाचा में ना आए, कर्मेंद्रियों से हाथापाई भी ना करे, तो भी चेहरे से क्रोध दिखाई देता है। इसलिए क्रिश्चियंस का क्रोध प्रसिद्ध है। उन्होंने फॉलो किया है कृष्ण वाली आत्मा को। कृष्ण वाली आत्मा बाहर से क्रोध नहीं दिखाती थी, बड़े प्यार से पेश आती थी। हिंदू महासभा का अध्यक्ष बाबा के पास आया तो बड़ी खातिरी की, जब चला गया तो बच्चों से कहा ये थोड़ा ही स्वर्ग में आवेगा। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस हैं, बाहर से रोशनी दिखाई देता लेकिन अंदर से इतने खूंखार बन जाते हैं कि एटम बम बना लेते हैं सारी दुनिया का विनाश कराने के लिए। कृष्ण वाली आत्मा भी जीते जी उनका क्रोध दिखाई नहीं दिया। अब वही आत्मा धर्मराज का पार्ट बजाएगी उन्हीं बच्चों के साथ जिन्होंने उनको अतीव दुख दिया। एक एक की सौ सौ गिनाएगी। तो ये गणेश का पार्ट है। हनुमान का पार्ट लंबी पूछड़ी वाला है, पूछ गले में दिखाई जाती है या मुख में दिखाई जाती है? कहाँ होती है पूछ? कमर में। ये काम वासना की निशानी है। बंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाल मुंह वाले छोटी पूछ वाले क्रोधी, और दूसरे होते हैं काले मुंह वाले, उनकी पूछ बड़ी लंबी होती है। भगवान के दरबार में भी दो दरबारी दिखाते हैं, एक लाल मुंह वाला और एक काले मुंह वाला। ये दो दरबारी कौन है और भगवान कौन है? हाँ जल्दी ले जाओ। है? अरे वो ही रामकृष्ण की आत्मा है, वो दरबारी है। और शिव बाप गॉड फादर भगवान है। इसलिए पहले पहले गणेश का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है, फिर नंबर बार और दूसरे हुए, क्योंकि सभी आत्माएं सतो प्रधान से क्या बनती हैं? रजो और तमो प्रधान बनती है। और निराकार को याद करने से क्या निराकारी स्टेज नहीं बनती?
अगर नहीं बनती होती तो क्यों बताया होता? अगर नहीं बनती होती तो बताया क्यों होता? फिर तो बीके वालों की तरह बताया होता। बीके वालों को तो साकार का पता ही नहीं है, तो कौन से साकार में निराकार को याद करेंगे? इसलिए एडवांस में ये बात बताई गई है कि साकार में कौन है, जो गीतापति भगवान कहा जाता है। उस साकार में निराकार को याद करो, क्योंकि वो साकार ही निराकार को याद करने में अव्वल नंबर है, सैंपल है। तो सैंपल को सदैव सामने रखेंगे तो हम भी क्या बनेंगे, समान बनेंगे या असमान बनेंगे? समान बनेंगे। और बाबा सोलह घंटा सेवा जो सरेंडर है या अपन को सरेंडर समझते हैं, उनको सोलह घंटे सेवा करनी है। तो वो सेवा मनसा सेवा है, वाचा सेवा है या कर्मणा सेवा है, या तीनों प्रकार की सेवा मिलकर के सोलह घंटे है? क्या जवाब होगा? तीनों प्रकार की सेवा टोटल मिला करके सोलह घंटा होना चाहिए। लेकिन विशेष आत्माएं वो हैं जो सोते जागते हर समय मनसा सेवा करती रहे। मनसा सेवा है निरंतर, और वाचा सेवा और कर्मणा सेवा वो दोनों मिलाकर के सोलह घंटे की हो तो अच्छा। हाँ जी, करो करो, कान लंबे करो। क्या बोला? जो मुरली पॉइंट नहीं लिखते वो स्वर्ग में जाते हैं नहीं जाते? जो पढ़े लिखे नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो नोटबुक नहीं लिख पाती है। लेकिन अगर कोई बुद्धिरूपी नोटबुक में नोटबुक नोट करता रहे तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा? है कोई ऐसे हैं जो स्थूल नोटबुक में तो नोट कर देते हैं, बाद में फिर देखते भी नहीं कभी, वो नोटबुक ऐसी ही पड़ी रहती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, दोबारा कभी देखने का नाम निशान नहीं। तो वो नोटबुक लिखने से फायदा है? है? ये कोई जरूरी नहीं कि स्थूल नोटबुक में कोई नोट करे तभी स्वर्ग में जावेगा। कहाँ नोट करे? ये बुद्धि में नोट करे वो तो स्वर्ग में जरूर जाएगा।
देवी देवताओं में कौन सा देवता देवी देवताएं हैं जिनके पांव में चप्पल या जूता दिखाया जाता है? किसी ने कोई चित्र देखा है? अरे देखा या नहीं देखा है? खड़ा हूँ। कहते हैं दत्तात्रेय देवता है जिसके पांव में खड़ाऊ दिखाई गई है। कौन है वो है? दत्ता माने दिया हुआ और त्रय माने तीन का दिया हुआ। है कौन तीन है जिनका दिया हुआ जन्म लेता है? है दत्तात्रेय के जीवन का कौन सा गुण विशेष प्रसिद्ध है? है गुण ग्रहण करना, अवगुण ग्रहण नहीं करना। ये विशेषता ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से पाठधारी में है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि रूपी पांव में जो पनही धारण की है कोई काठ की पनही है, कठ बुद्धि है, जो बुद्धि रूपी पांव में पहने हुए दिखाया जाता है। कौन है? है रामायण में केवट ने नाव के रूप में बताया है, ये मेरी काठ की नवैया है। आपके पांव रखने से मेरी नवैया तो पार लोक चली जाएगी, मेरा धंधा कैसे चलेगा? वो काठ की नवैया के रूप में भी दिखाया है और दत्तात्रेय के पनही के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा की सोल ऐसी कठबुद्धि नैया का आधार लेती है उस पर सवार होती है। कौन है पाठधारी वो है? कहते हैं जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है, तामसी बनती है, तो चंद्रमा उसके मस्तक पर विराजमान होता है, अर्थात ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। तो काठ की खड़ाऊ दिखाई जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है?
है। अरे गैया किसके साथ दिखाई गई है शास्त्रों में है? अरे शास्त्रों में गैयों का चराने वाला कौन दिखाया है, है? कृष्ण दिखाते हैं। तो गैयों का झुंड होगा जहां, वहां बैल होगा या नहीं होगा, है? बैल होगा तब गैयों की वृद्धि होगी कि बिना बैल के गैयों की वृद्धि हो जाएगी? अरे एक बैल जरूर चाहिए। तो वो कौन बैल है, है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा को बैल दिखाया है। उस बैल पर शंकर की सवारी दिखाई है और शंकर में शिव प्रवेश करते हैं। शिव जानवर में आता है, जानवरों को आके ज्ञान सुनाता है या मनुष्य में आता है, है? मनुष्य में आएगा, मनुष्य में आकर ज्ञान सुनाएगा, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करेगा। तो मनुष्य में मनुष्यों का जो पिता है, मनुष्यों में जो सर्वोपरि है, उसमें शिव प्रवेश करते हैं और शिव किस पर सवारी दिखाई है? शंकर के ऊपर। और शंकर की सवारी किसके ऊपर दिखाई है? बैल के ऊपर। क्या किसके ऊपर? बैल के ऊपर। रुद्रमाला में जितने मणके हैं वो वास्तव में गैया हैं या बैल हैं? हा? क्या है ये पुरुष हैं या भाव स्वभाव संस्कार से स्त्रियां हैं? पुरुष हैं। खुद में किसकी सोल प्रवेश करती है? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। क्या बाप दादा किस में प्रवेश करते हैं? बच्चों में प्रवेश करते हैं। और बच्चों में कौन प्रवेश करता है? नहीं, बाप दादा तो कंबाइंड रूप को कहा जाता है। जो कंबाइंड रूप है चंद्रमा और शंकर, जिसे शंकर नाम दिया है, वो किस में प्रवेश करता है, है? अरे रुद्राक्ष की माला ही भूल गई। अरे किसमें प्रवेश करता है? रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करता है। और रुद्रमाला के मणके जितने भी हैं वो पुरुष हैं, बैल हैं या गाय हैं? बैल हैं, भाव स्वभाव संस्कार से। उन बैलों में मुख्य बैल कौन है, है? ब्रह्मा की सोल। इसलिए जब तक राम वाली आत्मा पुरुषार्थी है तब तक बैल अर्थात ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करके अपना कार्य करती है। और जब पुरुषार्थ पूरा होता है अर्थात जो बड़ा बच्चा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं में बड़ा शंकर, वो बड़ा बच्चा जब संपूर्ण होता है
तब फिर हाई जंप लगा के संपूर्ण होता है या साधारण चाल से संपन्न हो जाता है? हाई जंप लगा करके बैल पर सवारी करते हैं, ऐसे मुरली में बोला है। तो जब बैल पर सवारी हो जाएगी तो गीता का भगवान कौन साबित हो जाएगा? है शिवशंकर भोलेनाथ साबित हो जाएगा। तब तक संपन्न स्टेज नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में संपन्न स्टेज की यादगार शंकर के साथ कौन दिखाते हैं? बैल की सवारी दिखाते हैं। है है क्या गोपाल करने की कब की यादगार? जब गऊओं की पालना करे। अभी गैया निकलनी नहीं है, और जिनकी पालना की जा रही है वो पल रही है, पूरी पालना ले रही है, ये मन बुद्धि से बाहर की दुनिया में भी जा रही है। अरे बोलो तो, छुप गए सुभाष से ही तो सारे पुरुष को लगा है ना? क्या सुभाष संस्कार से सारे पुरुष है? हाँ हाँ हाँ, तो बैल कंट्रोल में आता है, बैल पूरा कंट्रोल में आता है, नहीं आता है? जो बैल शंकर की सवारी दिखाई जाती है वो नाथ वाला बैल है या बिना नाथ वाला है? हाँ हाँ, कौन सा है? नाथ वाला है, ध्यान से देखना। है? हाँ हाँ, मानो विजय माला निकलेगी नहीं निकलेगी? निकलेगी तो गऊएं भी होंगी, गौशाला भी होगी, गायन भी होगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा आप जब दृष्टि देते हैं उस टाइम बाबा की आंखों में आंसू क्यों दिखाई पड़ता है, इसका मतलब क्या है? है बोलो। सबको दिखाई देता आंसू कि कोई को दिखाई देता, कोई को नहीं दिखाई देता? दिखाई देता कोई को नहीं। हमको नहीं दिखाई देता है? बाबा कभी कभी सोचते हैं, जो मुरली में बोल भी देते हैं, क्या बोल देते हैं? नहीं, भगवान को जितना रुलाया है उतना और कोई को नहीं रुलाया है। तो जिन्होंने रुलाया होगा इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में सही, तो उनको आंखों में आंसू देखने में जरूर आएंगे। और बाबा भी रोते रहते, मिले न फूल तो काटो से दोस्ती कर ली। शंकर का तो पार्ट है।
ये किसने कहा कि शंकर का पार्ट नहीं है, चीटी का पार्ट है? हैं? कई वैसे बात है कि शंकर का, शंकर वाली आत्मा, शंकर की आत्मा, तो राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, सुग्रीव बोल है, तो शंकर की आत्मा किसे कहे? ये कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पार्ट एक बजाता है या बजाने वाले आत्माएं अनेक हैं, इसीलिए नाम पड़ गया। नाम शंकर है, शंकर का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मिक्स, तो तीन आत्माओं का मिक्स पार्ट है। और बाबा मनसा सेवा कैसे करना है? अरे शुभावना करना जानते हैं? किसी के प्रति शुभ कामना करना जानते हैं? कोई आत्माओं को दुआएं देना जानते हैं? तो मन से कोई को दुआएं देना, मन से कोई के लिए पॉजिटिव संकल्प करना, अच्छे अच्छे संकल्प करना, यही मनसा सेवा है। जो दुख देने वाले हैं उनके लिए भी शुभकामना करना, उनके लिए भी सौभावना रखना, ये मनसा सेवा है। है एक बार उसने दिया गया भक्ति मार्ग में, शंकर जी अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, और पार्वती सो गई थी और सुबह हाँ करता रहा है, और अंत में देखा सुबह तो उसके सुर लेके दौड़ क्यों पड़े है, मतलब सुबह पर सुर लेके दौड़ पड़े है, उनके लिए तो सब बराबर थे, सब बराबर थे। अच्छा तुम घर में बेडरूम में सोए बहे हो और तुम अपनी पत्नी को कोई कथा सुना रहे हो, और तुम्हारे बेडरूम में कोई घुस जाए तुम्हारी परमिशन के बगैर, तो तुम क्या करोगे? अरे तुम करोगे क्या, तुम क्या करोगे सो बताओ, तुम कामेश क्रोधेश होगे कि नहीं है? तो जैसे बाप ने कर्म किए हैं वैसे ही कर्म सारी दुनिया करती है, लेकिन बाप ने डायरेक्शन मुरली में दे दिया है पहले ही कि शंकर को कर्म में फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है, शंकर के डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो शंकर ने डायरेक्शन दिया क्या कबूतर को है? फिर और अरे जो आगे बैठे हैं तीखे कान वाले उनको तो सुना दो, हम तो थोड़ा कम सुन पाते हैं, मोबाइल सुनते सुनते कान बहरा हो रहा है। वो खोल के बोलो ना, जोर से बोलो। अरे कुछ नहीं, शंकर के माध्यम मस्तक में अर्ध चंद्रमा दिखाते हैं। हाँ क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? चंद्रमा किसकी आत्मा है बोलो, चंद्रमा कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा अभी अधूरा है या संपूर्ण है? नीचे मुंह करके क्यों बोलती है? अधूरा बता रही है, अधूरा है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। जो आत्मा प्रवेश कर रही है राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम जन्म में, वो एक संपूर्ण आत्मा है सदा शिव, और एक अपूर्ण आत्मा है, उस अपूर्ण आत्मा का नाम चंद्रमा है।
है कि मेरा नाम शिव है। हैं? कि मेरा नाम शिव है। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मा कृष्ण वाली चौरास में कोई भी जो सूर्य करता उनका ब्रह्मा करता है और राम के चौरास में कोई भी जो करता उनका राम करता है। जैसे 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 काम करके बंदी नाम करते तो उसका नाम राम वाले कल में हुआ क्योंकि राम का ही नेचर है। शिवका वो चोला जो नाम वो शंकर जो है वो इसलिए अभी आ दिया कि शिव का ही नाम शंकर पड़ता है। जिसका नाम शंकर पड़ता है चौरासी ब्रह्मा के चौरासी शंकर ब्रह्मा नाम पड़ता है ना। हाँ जब प्रवेश करते हैं तो शंकर नाम पड़ता है। शंकर नाम नहीं पड़ता है, शंकर नाम तब कहेंगे जब तीनों आत्माओं का जो मेल है वो प्रत्यक्ष हो जाए संसार में। अभी तो लोग यही कह रहे हैं कि फेलियर है राम वाली आत्मा, फेलियर है या बाप समान है। राम वाली आत्मा शिव बाप समान निराकारी स्टेज वाली है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी या अभी भी फेलियर है। है क्या? कभी धीरे बोलते कभी जोर से। बाप समान है, है? बाप समान है, बाप तो शिव है, शिव निराकार है, निराकार निर्विकार निरहंकार है, है? जगी तबगी अभी थोड़ा ही कहेंगे। क्या लिख दिया है? बाबा केला फलों की रानी है तो केला दूसरे फलों की अपेक्षा ज्यादा दिन रहता। हाँ रहता ज्यादा दिन। अरे केले को सफर में रख लो वो तो बच्चा हो जाता है। कोई सफर में तीन चार दिन लगातार केला लेकर के चलता है? नहीं चलता। जैसे केला है फलों की रानी वैसे ही गुलाब का फूल भी फूलों की रानी कही जाती है। गुलाब का फूल ज्यादा दिन टिकता है या कमल का फूल ज्यादा दिन टिकता है? गुलाब का फूल तो मौसम थोड़ा ऐसा वैसा हुआ पंखुड़ियां बिखर जाती है। ऐसे ही केला भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता, या तो पेड़ के ऊपर रहे, पेड़ पर पके तो रहेगा और पका हुआ केला कहीं इधर उधर रख दिया जाए तो माहौल के हिसाब से जल्दी खराब हो जाता है। बाबा ओम नमः शिवाय में दिखाया है कि जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करके महिषासुर का वध करके उसके कटे सिर को लेकर नाचती है। किसी को विजय प्राप्त होगी तो विजय की खुशी में डांस करेगा कि नहीं करेगा? तो डांस कैसे दिखाया जाए? डांस को दिखाने, खुशी का डांस दिखाने के लिए चित्रकारों ने उसको नाचते हुए दिखा दिया। नाचती है और फिर खुशी की ऊंचाइयों में शंकर की छाती पर पांव रख देती है। कोई खुशी में पागल हो जाता है कि नहीं कभी? है? अगर कोई गरीब भिखमंगा हो
और उसको 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो खुशी के मारे पागल होगा या नहीं होगा? है? हो जाएगा। जो काम दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं नहीं कर पाए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं कर पाए, बड़े बड़े महात्माएं नहीं कर पाए, सन्यासी नहीं कर पाए, असनों का विनाश दुनिया से, वो काम जगदम्बा ने कर दिखाया, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? है? और कापारी खुशी होगी या छोटी थोड़ी बहुत खुशी होगी? खुशी में पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम किसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किसकी छाती पर पांव रख रहे हैं। तो असलियत दिखाई गई है। शंकर जी इसलिए मौन रहते हैं कि दुनिया में त्रिदेव में जो काम दिया गया है त्रिदेवों का, वो काम के आधार पर नाम तो हमारा रख दिया गया। काम हमारा होता है तो जिसके द्वारा हमारा काम हुआ वो अगर अपमान भी करे तो उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? गाय है, लात मारती है, दूध बहुत देती है, तो लात सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? है? करते हैं। जयराम को तो पक्का अनुभव है। अरे भाई सुख लेना है तो लातें भी सहन करनी है।